समिति की बैठक में शामिल होने के लिए मैनपुरी पहुंचे। डिप्टी सीएम मैनपुरी जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। यहां पहुंचने के बाद उनका बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने 138 करोड़ की 77 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इस वर्ष का प्रस्तावित बजट 280 करोड़ 77 लाख रुपए का है। भाजपा की सरकार, चाहे वो देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, सभी के सर्वांगीण विकास पर विश्वास करती है। प्रदेश के सभी 75 जिले हम अभियान चलाकर विकास का काम कर रहे हैं। देख रहे तुम बीच में प्रस्तावित बजट है वह 280 करोड़ 77 लाख रुपए। हमारा प्रयास है कि जनपद का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, चाहे वह नगर क्षेत्र से जुड़ा हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हो। इस लक्ष्य को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार देश के सभी 75 जनपदों में अभियान चला रही है और इस अभियान का परिणाम ये है कि आज सब लोग एक स्वर से कहने लगे हैं।